सो हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया से हो गए। तो गाइस एक बार फिर से मैं और भैया जय आ चुके हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवर सीरीज के सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने वुडलैंड मेंशन को एक्सप्लोर किया था, जिसमें आपको पता ही है हमारा एक्सपीरियंस उसमें बहुत ज्यादा खराब रहा। हम लोग को उसमें से कुछ भी नहीं मिला सिवाय दो गोल्डन एप्पल को छोड़कर। और गाइस पिछली सर्वाइवल वीडियो के कमेंट में आप लोगों के काफी सारे कमेंट आए कि वुडलैंड मेंशन को जला दिया जाए। तो भैया क्या विचार है आपका? नहीं, इसमें सोचना विचारना क्या है, जो अपने दोस्त लोग बोलेंगे वही तो करेंगे ना। मरना मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में हूँ और मैं भी यही चाहता था। हाँ भैया, तो चलिए आज वुडलैंड मेंशन को चला ही दिया जाए। और गाइस यार, आप लोगों ने पिछली वीडियो में 10,000 लाइक नहीं पूरे किए थे जो हम लोगों ने गोल रखा था, तो गाइस आप लोगों ने पूरे नहीं किया यार। तो गाइस इस वीडियो पे भी हम लोग 10,000 का लाइक एम रखते हैं, तो गाइस इस बार पूरे कर देना यार। एकदम कॉन्फिडेंस मिलता है अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। ओए बिल्कुल सही कहा, इसलिए जल्दी से वीडियो पे लाइक मार दो। और तब तक मुन्ना हम लोग थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं इस वुडलैंड मेंशन को जलाने के लिए। मुन्ना इसको जलाने के लिए तो पता नहीं कितनी फ्लिंट एंड स्किन लग जाएंगे। है भैया तो आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास काफी सारा आयरन पड़ा हुआ है और फ्लिंट रखी हुई है कि नहीं। हाँ भैया फ्लिंट तो वही है। और मुन्ना तुझे क्या लगता है हम लोग को कितनी फ्लिंट एंड स्टील बना लेनी चाहिए? ओए हे भैया यार, एक दो बहुत हो जाएंगी। ओए तू एक दो की बात कर रहा है, यहाँ पर मैं चार चार सोच रहा था, तू एक दो की बात कर रहा है। हम लोग पूरी की पूरी चार फ्लिंट एंड स्टील बनाएंगे। हे भैया इतनी सारी क्या करेंगे? ओए मुन्ना इस मेंशन को आज जला के एकदम खाक कर देना है, इसका एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। ओए हे भैया यार, लेकिन कॉपर स्टोन का टुकड़ा तो नहीं जलेगा ना? ओए कम से कम लकड़ी का टुकड़ा तो जली जाएगा, और मुन्ना ज्यादातर इसका पार्ट लकड़ी से ही बना हुआ है, तो आज इसका पूरा ही जला डालेंगे। ओए चलिए भैया ठीक है, लगता है भैया आपको वुडलैंड मेंशन से कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया है। ओए मुन्ना गुस्सा तो आ गई, खजाना वगैरह कुछ मिला ही नहीं। ओए हम लोग तो यहाँ पर खजाने के लालच में आए थे, और खजाना क्या, यहाँ पर नमूने ज्यादा मिले हैं, खजाने कम मिले हैं। ओए हाँ भैया, वैसे आपने बात तो सही कही। चलिए भैया अब इस वुडलैंड मेंशन को जलाना शुरू ही कर देते हैं। ओए मुन्ना यहाँ से नीचे से नहीं जलाएंगे, नहीं तो मुन्ना हम लोग उतरते समय हम खुद ही जल जाएंगे, तो क्या होगा? हाँ भैया वैसे बात तो सही कही। तो चलिए भैया हम लोग ऊपर वाले फ्लोर से जलाना शुरू करेंगे। ओए मुन्ना तुझे पता है क्या, जलाने से एक और फायदा हो सकता है हम लोग को। कौन सा फायदा भैया? मुन्ना जलाने से यहाँ पर जितने भी चेस्ट है सब विजिबल हो जाएंगे। और ये नमूने को पहले संभालता हूँ फिर बताता हूँ। और चल निकल, बहुत मारूंगा, ये ले तेरे जैसे को और भी जला डालूंगा। ओए उनको तो छोड़ने वाला नहीं मैं। और तो मुन्ना मैं ये बोल रहा था, हम लोग को वुडलैंड मेंशन जलाने में एक और फायदा हो सकता है। और यहाँ पर जितने भी चेस्ट जो कि हम लोग को दिखे नहीं, हम लोग को शायद मुन्ना उनमें खजाना हो सकता है। और मुन्ना जलने के बाद तो सभी चेस्ट दिखने लगेंगे ना? हाँ भैया वो तो है, लेकिन भैया चेस्ट नहीं जल सकते क्या? ओए मुन्ना चेस्ट ज्यादा नहीं जलते हैं, लेकिन मुन्ना अगर हम लोग को खजाना मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा, इसलिए इसको जलाना ही सही रहेगा। ओए और हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए। हाँ भैया चले ठीक है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में चलते हैं और भैया वहीं से जलाना शुरू करते हैं। ओए ये तो सेकंड फ्लोर है ना, ओए थर्ड फ्लोर का रास्ता कहाँ से है? हे भैया एक तो ये पूरा वुडलैंड मेंशन ही भैया बड़ा भूल भुलैया है, ये रहा भैया थर्ड फ्लोर। ओए आ तो गए। हे भैया सामने नमूने यार, ओए तू रुक जा, मैं इन पर थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर लेता हूँ। ओए ओए नहीं छोड़ूंगा नमूना, ये ले तोड़ दूंगा, तोड़ भी दूंगा, ये ले टूट गए ना। ओए यार भैया क्या कोई आ जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि तुम लोग का मैं जलाने वाला हूँ। ओए चल मुन्ना अब हम लोग को फ्लिंट एंड स्टील मारना शुरू कर देना चाहिए। हाँ भैया शायद आपने सही कहा। तो चलिए भैया खाते हैं खाना और भैया फिर से शुरू हो जाते हैं। ओए रुक जा मुन्ना एक मिनट, ये नमूनों का चैन नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं? स्पॉनर वगैरह कोई लगा हुआ है क्या? है भैया यार इसको छोड़िए ना यार। ओए इसको छोड़ देंगे तो हम लोग को नहीं छोड़ेगा। ओए चल इसका तो खत्म हो गया, अब हम लोग को आग लगाना शुरू कर देना चाहिए। है भैया अपने ऊपर आग नहीं लगानी, ओए वो गलती से लग गई थी, ओए अब सही लगेगी। है भैया संभल कर रहिए यार, नहीं तो हमारे ऊपर आग लग जाएगी तो भैया क्या होगा? ओए इस डकी को भी जला दूंगा, इसमें मैंने सोचा था लैपिस लाजुली का ब्लॉक मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। हे भैया संभल कर आग लगाइए, नहीं तो हमारे ऊपर लग जाएगी यार। ओए तू अब टेंशन मत ले, इस मेंशन को पूरा ही जला डालूंगा, ओए नहीं छोड़ूंगा। हे भैया यार अपने शरीर का तो ध्यान रखिए यार, हम लोग भी जल रहे हैं, आप भैया गलती कर रहे हैं। ओए टेंशन मत ले, एकदम सही तरीके से जलाऊंगा, ओए ये ले सब कुछ जला डालूंगा, ओए जला के खाक कर डालूंगा, ओए जितने भी चेस्ट हैं और भी मिल जाएंगे। ओए इधर भी फ्लिंट स्टील मारूंगा, ओए इधर भी मारूंगा, कुछ भी मुन्ना जगह छूटने ना पाए। हे भैया चले ठीक है, हम लोग को निकलने का भैया रास्ता ही बचाइएगा, और रास्ता वगैरह सब बच जाएगा। ओए मुन्ना टॉप फ्लोर में हम लोगों ने बाहर जाने का रास्ता बनाया था ना? हे भैया बाहर जाने का रास्ता तो नीचे है ना? ओए वो वाला नहीं मुन्ना, हम लोग को मतलब इसी के ऊपर चढ़े रहना है और मुन्ना बाहर निकल जाए। हे भैया वो रास्ता इधर कहाँ मिलेगा? पहले इसको जला डालिए। ओए इसको तो मैं जला कर ही जाऊंगा, लेकिन वो रास्ता कहाँ से है? ओए हे भैया इधर ही तो होना चाहिए, इधर भी नहीं है, कहाँ चला गया? पता नहीं भैया मैं ही भूल गया, पता नहीं भैया ये भूल भुलैया ना मुझे कभी कभी समझ नहीं आती। ओए मुन्ना तुझे समझना पड़ेगा, ओए रास्ता कहाँ से, वहाँ से जलाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा।
हाँ भैया ढूंढ तो लाओ, लेकिन भैया आप अपने आप को क्यों जला रहे हैं? ये देखिए भैया रास्ता मिल गया। ओए चल ठीक है, अब गलती नहीं होगी। ओए जला डालूंगा पूरे के पूरे वुडलैंड मेंशन को ही। ओए लेकिन भैया फिलहाल तो आप अपने आप को ही जला रहे हैं और भैया मुझे भी। ओए मुन्ना पता नहीं ये मुझ पर आग कैसे लग जाती है, मुझे तो खुद ही नहीं पता चल पा रहा है। भैया आपके पास फ्लिंट स्टील मारने का तरीका नहीं है? भैया अच्छे ढंग से मारा कीजिए। ये देखिए भैया फिर से लगी। और छोटे मोटे मुन्ना छोटे सह लिया कर, इतना तो मुन्ना तुझे सहना पड़ेगा ही। ओए क्योंकि मुन्ना ये माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल दुनिया है, ओए यहाँ कुछ भी हो सकता है। भैया फिलहाल हम लोगों को आग से तो बचना ही पड़ेगा ना। ओए वो तो है, वो तो बच ही रहे हैं। ओए ये क्या, चल अब थोड़ा सा नीचे आग लगाया जाए, बहुत हो गया ऊपर के फ्लोर में आग लगाना। ओए इसको भी जला ही डालूंगा और नहीं छोड़ूंगा पूरा का पूरा। देख मुन्ना मेंशन कैसे जला जा रहा है। ओए ये क्या, इधर तो कुछ ज्यादा ही आग फैल गई है। हे भैया हम लोग के निकलने का रास्ता तो बचेगा ना। ओए टेंशन मत ले मुन्ना, निकल जाएंगे बहुत आराम तरीके से। ओए रास्ता तो मुन्ना खुला ही रहता है ना। हाँ भैया वो तो ठीक है, लेकिन भैया कम से कम हम लोग का निकलने का रास्ता तो बनना चाहिए ना। ओए तू उसकी टेंशन मत ले, फिलहाल अभी मुझे मेंशन को जलाने में ध्यान दे दे। ओए मुन्ना कोई भी कोना छूटने ना भाई, सब जगह फ्लिंट स्टील मार दे। ओए हाँ भैया वो तो मार ही रहा हूँ, लेकिन भैया आप अपने ऊपर ही क्यों मार रहे यार, हम लोग को डैमेज हो रहा है। ओए इसको छोड़, देख मुन्ना मेंशन कैसे जल रहा है। ओए अब इन वेंडिकेटर्स को पता चलेगा। ओए उनको क्या पता चलेगा, वो तो है ही नहीं क्योंकि उनका तो हम लोगों ने खात्मा ही कर दिया। ओए उसको छोड़िए भैया, मैंने आपसे बोला था ना कि भैया हम लोग को निकलने का रास्ता नहीं बचेगा। ये देखिए भैया चारों तरफ आग ही आग फैल गई है। ओए तू टेंशन क्यों लेता है, ये देख इधर की बुझा दी और चल अब चलते हैं नीचे। और ये ले दोबारा से लगा भी दी। ओए अभी तो मुन्ना नीचे वाला फ्लोर पूरा बचा ही हुआ है। हे भैया मुझे लगता है इतनी आग काफी रहेगी, इतने में तो भैया मेंशन जल जाना चाहिए ना। तुझे क्या लगता है मैं इतनी सारी फ्लिंट एंड स्टील ऐसे ही लाया हूँ? पूरे मेंशन को ही जला कर जाऊंगा और पूरी फ्लिंट एंड स्टील भी यूज करूंगा। हे भैया क्या फायदा, हे भैया क्रीपर था यार, ओए फट जाने दे, आज इस पूरे मेंशन को ही तबाह कर दूंगा। ओए वैसे भी हम लोगों को इस मेंशन से कुछ मिला भी नहीं, ओए तो इसको तबाह करना भी सही रहेगा। ओए ओए नहीं छोड़ूंगा, कोई भी कोना छूट ना पाए आज तो। ओए तू ही जलना चाहता था क्या, जल ले। ओए बड़ा आया पंगा लेने। ओए चारों तरफ आग लग जाएगी। ओए इस वूल फार्म में भी आग लगा दूंगा। ओए इस वूल में भी कुछ नहीं मिला। ओए जॉम्बी की आवाज कहाँ से आ रही है? ओए ये नमूना उनका जला नहीं, ओए ये जल ले। ओए तू ऐसा नहीं मारेगा, चल निकल ले। भैया एक मिनट यार, जरा चारों तरफ देखिए तो आग भैया पूरी तरह से फैल चुकी है यार। ओए अभी कहाँ फैली है, अभी तो फैलने वाली है। ए भैया अब हम लोग निकले कहाँ से यार? ओए ये क्या फंस गए क्या? हे भैया मैंने आपसे बोला था ना इतनी भी आग मत लगाइए कि भैया हम लोग का निकलने का रास्ता नहीं बचे। ओए मुन्ना ऐसे नहीं हो सकता, रुक जा हम लोग जरूर निकलेंगे। ओए भैया आपको दिख नहीं रहा, हम लोग अपनी ही लगाई आग में फंस चुके हैं और भैया चारों तरफ से कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है। भैया हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। वाह क्या बात है, दोनों बिल्ले अपनी ही लगाई आग में फंस गए हैं, अच्छा है। और तू अपना मुंह बंद रख, हम लोग अपनी आग में नहीं फंस सकते। ओए कहीं से तो निकलने का रास्ता होगा ना, ये देख मिल गया रास्ता। हे भैया हम लोग को जल्दी से जल्दी रास्ता बनाना पड़ेगा। ओए ये देख मुन्ना बाहर निकलने का रास्ता हम लोग को मिल चुका है। ओए जल्दी से मुन्ना एक्स निकाल। हे भैया हम लोग यहाँ से नहीं घुस पा रहे। ओए तो रुक जा इसको भी तोड़ता हूँ। ओए ये क्या अभी नहीं टूट रहा। ओए रुक जा कहाँ गई पिकैक्स, ओए ये ले तोड़ दिया। भैया जल्दी करिए पीछे आग फैल चुकी है। ओए ये ले निकाला है मुन्ना, टेंशन क्यों लेता है। और ये रही आखिरी फ्लिंट एंड स्टील, चल मुन्ना अब इसको भी यूज ही कर डालते हैं। हे भैया मुझे तो लगता है आप पूरे जंगल में ही आग लगाना चाहते हैं। ओए जंगल में तो नहीं लेकिन मुन्ना, लेकिन इस वुडलैंड मेंशन को पूरा ही जला डालूंगा। ओए चाहे कुछ भी हो जाए, ओए पूरी आज मैं फ्लिंट एंड स्टील यूज कर ही जाऊंगा। देख मुन्ना अभी इधर के पार्ट्स तो जले ही नहीं। ओए हे भैया सब धीरे धीरे जल जाएंगे यार। ओए धीरे उरे नहीं जलेंगे, मेरी आंखों के सामने ही जलेंगे। कोई भी पार्ट छूटने ना पाए वुडलैंड मेंशन का। ओए सब कुछ जला डालूंगा, ये ले इधर भी लगाऊंगा, ओए इधर साइड भी लगाऊंगा। देख मुन्ना भीतर तो आग ही नहीं लगी हुई है। ओए हे भैया धीरे धीरे लग जाती यार, कोई जरूरत नहीं थी। ओए मुन्ना जरूरत तो है ही है। ओए ये क्या मुझे ही लग गई। भैया आपसे मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ, कम से कम अपने ऊपर तो आग मत लगाइए। ओए मुन्ना वो गलती से लग गई थी। ओए रुक जा भी हट जाएगी, चल मुन्ना खाना खाते हैं, हेल्थ रिकवर करते हैं। ओए ये देख मुन्ना अभी इधर का पार्ट्स बचे हुए हैं, रुक जा इनमें भी आग लगा ही देता हूँ। ओए ये ले सब कुछ जला डालूंगा। देख मुन्ना हम लोग पहुंचने वाले हैं आखिरी किनारे तक, और उसके बाद मुन्ना वुडलैंड मेंशन का नजारा देखने लायक रहेगा। पूरा का पूरा वुडलैंड मेंशन जल चुका होगा। ओए चल मुन्ना अब हम लोग अपने बेस पर लौटते हैं क्योंकि रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है। हाँ भैया रात तो काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन भैया कहीं हमारा बेस भी ना जल गया होगा। ओए मुन्ना बेस तो अपने काफी दूर है, वो कैसे जलेगा? हे भैया कोई भरोसा नहीं है। देखिए भैया आग जंगल में फैल चुकी है। ओए जंगल में फैल चुकी है। हाँ भैया यार देखिए कैसे पेड़ वगैरह जल रहे हैं।
ओए चल फिर अपने बेस के पास चलते हैं मुन्ना, खतरा तो हम लोग को भी हो गया। ओए जब मैंने भैया आपसे पहले ही बोला था कि भैया आप एक दो फ्लिंट सी लीजिए, इतनी सारी मत लीजिए, लेकिन भैया आप कहाँ मानने वाले हैं, ये देखिए भैया पूरे जंगल में आप फैल चुकी है। और भैया मुझे तो लगता है हमारे बेस तक भी आग पहुँच चुकी है, जो कि भैया हम लोग का थोड़ा बहुत लूटा सामान होगा भैया वो भी जल जाएगा यार। और ये क्या आग तो चेस्ट तक पहुँच चुकी है। भैया संभल कर यार, आप ठीक तो है ना? मुन्ना मैं ठीक हूँ, चेस्ट को हम लोग को बचाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का थोड़ा बहुत सामान जो हम लोगों ने लूटा है वुडलैंड मेंशन से वो भी चला जाएगा। ओए हे भैया मैंने बोला था ना इतनी आग मत फैलाइए कि भैया हम लोग को ही नुकसान हो जाए। हे भैया जल्द से जल्द हम लोग को चलना पड़ेगा। ओए चल मारे छलांग। ओए ये क्या फिर से गिर गए? ओए ये हो क्या रहा है? ओए मुन्ना जल्दी से हम लोग को चेस्ट से सामान निकालना पड़ेगा। हाँ भैया जल्दी जल्दी निकालिए यार, जो मेन मेन सामान है भैया जल्दी से उसको निकाल लीजिए। ओए निकाल रहा हूँ। ओए ऐसा करता हूँ मेन मेन सामान ले लेता हूँ, ओए फालतू का सामान छोड़ देता हूँ। हे भैया गोल्डन एप्पल वगैरह सब कुछ ले लीजिएगा। ओए मुन्ना सब कुछ ले रहा हूँ, ओए इसको भी ले लेता हूँ, ओए बोर्ड भी जरूरी है, ओ ये भी जरूरी है। ओए मुन्ना अगर हम लोग टाइम पर ना पहुँचते तो मुन्ना ये चेस्ट भी जल जाता। ओए आज तो ये आग हमारे ऊपर ही भारी पड़ गई। जरा मुन्ना सामने नजारा तो दे, वुडलैंड मेंशन कैसे जल रहा है। हे यार भैया आपके नज़ारे के चक्कर में आज हमारा सामान भी जल गया था। चलिए भैया यार अब सोते हैं, फिर भैया कल सुबह देखेगा नज़ारा वगैरह। ओए चल ठीक है मुन्ना, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। मुन्ना सुबह हो गई, ये क्या वुडलैंड मेंशन अभी तक जल रहा है। हे भैया जलेगा तो है ही यार, इतनी भयानक जो आग लगाई थी। ओए मुन्ना देख आग कैसे जंगल में पूरी तरह से फैल चुकी है, और देख मुन्ना वुडलैंड मेंशन में तो वुड ही नहीं बची हुई है। ओए भैया इतनी भयानक आग लगाएंगे तो भैया वुड क्या, भैया उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। भैया यहाँ का जंगल तो बचा नहीं, तो भैया वुडलैंड मेंशन के वुड क्या बचेंगे। चलिए भैया अब चलते हैं और देखते हैं भैया क्या हम लोग का कोई चेस्ट विजिबल वगैरह हुआ कि नहीं। ओए मुन्ना बिल्कुल सही कहा, अब तो मुन्ना वुडलैंड मेंशन में हम लोग ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं कि कहां पर चेस्ट है, कहां पर खजाना है। ओए और तो और भैया वो भैया ऑब्सीडियन वाला रूम मिल गया, तब तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि भैया उस रूम में हम लोग को डायमंड ब्लॉक मिल सकता है उस ऑब्सीडियन ब्लॉक के बीच। ओए क्या बात कर रहा है। हाँ भैया जल्दी से चलते हैं और ढूंढते हैं और देखते हैं भैया क्या हम लोग को चीजें मिलती हैं कि नहीं। ओए मुन्ना अब तो एकदम साफ साफ दिख भी रहा है। ओए अब हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए। हाँ भैया देर कर भी कौन रहा है, चलिए अब चलते हैं। वैसे भैया यार अगर एक बात की जाए तो भैया बहुत से चेस्ट जल भी गए होंगे। ओए वैसे वो तो बात है ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं मुन्ना, कोई ना कोई चेस्ट तो मिल ही जाएगा। ओए जरा देख तो मुन्ना इसकी जमीन समेत गायब हो गई है। ओए हे भैया देखिए पूरा का पूरा बेस ही उड़ गया यार। ओए लगता है हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही बड़ी आग लगा दी है। ओए भैया मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि भैया आप ज्यादा फ्लिंट एंड स्टील मत यूज करिए। ओए चल कोई बात नहीं मुन्ना, जरा देख तो कुछ भी पार्ट दिख ही नहीं रहा। ओए और साफ साफ दिख भी रहा है, ओए ये चेस्ट तो खाली है। हे भैया शायद हम लोग नीचे का पार्ट लूट चुके हैं, इसीलिए भैया खाली चेस्ट आपको मिलेंगे। ओए तो ऊपर भी तो मुझे दिख नहीं रहा है। हे भैया ऊपर रहे भी होंगे तो भैया वो आधे तो जल गए होंगे, और भैया जो बच्चे कुछ होंगे तो भैया शायद हम लोग उन्हें लूट भी चुके होंगे। ओए चल ठीक है, जो भी देखते हैं अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुन्ना कर भी कह सकते हैं। ओए जितना हम लोग का खजाना मिलना था वो मिल चुका है। हाँ भैया यार टोटेम ऑफ अंडाइन के लिए आए थे, और भैया हम लोग को दो गोल्डन एप्पल मिल चुके हैं। बस भैया वो डायमंड वाला ब्लॉक मिल जाता तब तो भैया मजा ही आ जाता। ओए क्या मजा आता, इस चेस्ट में भी कुछ नहीं है, लगता है लूटेड है। हाँ भैया बहुत से चेस्ट हम लोगों ने लूट लिए थे ऑलरेडी। ओए देख मुन्ना ऊपर एक और चेस्ट मुझे दिखा है। भैया वैसे आपकी निगाहें तो कुछ ज्यादा ही तेज है। ओए मुन्ना तेरे भैया की निगाहें ऐसे ही तेज रहती हैं। चल अब जल्दी से ऊपर चलते हैं और उस चेस्ट में भी जल्दी से देखते हैं, शायद मुन्ना कोई खजाना ही मिल सकता है। ओए और भैया लूटे भी तो हो सकता है ना। ओए देख लेते हैं देखने में क्या जाता है। ओए आ गए क्या ऊपर ये मुन्ना हमारे जस्ट। हाँ भैया बस थोड़ा सा और है, और देखता हूँ भैया ये क्या, भैया इसमें तो रॉटन फ्लैश भरा हुआ है और जो कि किसी काम का नहीं है। चल मुन्ना मुझे लगता है यहाँ की जितने भी चेस्ट हैं लूटेड हैं, और यहाँ पर जितना खजाना हम लोग को मिलना था वो मिल चुका है। ओए हाँ भैया मुझे भी ये लगता है। ओए जरा देख तो मुन्ना ये वही चेस्ट है ना जिसमें मुन्ना सब कुछ खाली रहता है। ओए हाँ भैया इनमें भला देखने से क्या फायदा, सब कुछ ही खाली होगा। ओए मुझे पता ही था इनमें कुछ मिल भी नहीं सकता। ओए देख सबके सब खाली है। ओए मुन्ना क्या ट्रोल करते हैं ये लोग। ओए हे भैया कुछ तो होना चाहिए ना, अगर भैया एक चेस्ट में भी एक एक डायमंड होता तो भैया कितने सारे यहाँ पर चेस्ट है, भैया हम लोग को कितने सारे डायमंड मिल जाते हैं। ओए मुन्ना सपने देखना छोड़ दे, इस मेंशन में हम लोग को जितना मिलना था वो सब कुछ मिल चुका है, अब हम लोग को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, और मुन्ना अब हम लोग को यहाँ से निकलने की जरूरत है। ओए हाँ भैया शायद से आपने सही कहा। चलिए भैया अब अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, लेकिन सबसे पहले भैया हम लोग एक घोड़ा टेम कर लेते हैं। ओए रुक जा अभी इसको टेम करता हूँ। ए भैया इसने तो आपकी बेइज्जती कर दी, इसने तो आपको फेंक दिया। ओए कब तक फेंकेगा, टेम तो हो गई ना। ओए हो जा प्यारे घोड़े जल्दी टेम हो जा। ओए लगता है हो गया। ओए ये क्या, ओए लगता है फिर से चढ़ना पड़ेगा। ओए लगता है हो गया मुन्ना देख। ओए ये क्या फिर से गिरा दिया। ओए ओ जनाब इतने भी नखरे मत कर, नहीं तो मेरा 2.5 किलो का हाथ चल जाएगा ना, तो 2 मिनट में टेम हो जाएगा। ओए
और ये क्या, और मन्ना ये कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं दिखा रहा क्या? ए भैया यार टेम हो जाएगा। ए भैया ये क्या यार, कोई तो टेम ही नहीं हो रहा। और मन्ना मैंने बोला ना, और देख कैसे मुंडी हिला रहा है। ए भैया मुझे भी लगता है ये कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है। ए भैया सामने ज़ॉम्बी आ रहा है यार, और इस ज़ॉम्बी को तो अभी तोड़ता हूँ। ये ले, और दिमाग मत खराब कर, है तुझे भी तोड़ दूंगा। ओए अब टेम होना जल्दी से। ए भैया तो कुछ ज्यादा ही नखरे वाला यार। ओए रुक जा, इसके नखरे निकालता हूँ। ओए ये ले, तोड़ दूंगा, बहुत तेरे नखरे बढ़ गए हैं ना। ये ले, अब तू तो यहाँ से निकल ही ले। ओए बहुत हो गया तेरा नखरा, भाग का रहा। ये ले, ओए तू मेरी तलवार खा, बहुत हो गया तेरा, उतनी देर से नखरेबाजी दिखा रहा है मेरे सामने। ओए और कोई घोड़ा है क्या? ओए नमूने निकल ले। ए भैया दूसरे घोड़े का ढूंढते हैं। ओए वो देख मुन्ना सामने मिल भी गया। चल मुन्ना उस पर थोड़ा सा टेम करके देखते हैं। ओए अगर ये भी टेम नहीं हुआ ना तब तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ओए वैसे इसे तो टेम हो जाना चाहिए। भैया इसके सामने आपने इसके साथी को मारा है, तब तो भैया टेम ही हो जाएगा। ए भैया फिर से ज़ॉम्बी। ओए देख लिया मैंने इसको, तुम अपनी बो वायरस से निपटा दूंगा। ओए टेम हो जा, तू भी नखरे दिखा रहा है क्या? बहुत मारूंगा। ओए ये हुई ना बात, देखा मुन्ना जल्दी टेम हो गया। हाँ भैया जब इसने देखा कि मेरा दोस्त मार खा रहा है तब भैया आराम से टेम हो गया। ओए मुन्ना इस तरह का होना भी चाहिए, अगर नहीं होता ना तो ये भी अपने दोस्त की तरह मार खाता। ओए ओए मुन्ना चल अब हम लोग को अपने घर की ओर लौटना चाहिए। हाँ भैया शायद से आपने सही कहा, अब हम लोग को अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि भैया यार ये एडवेंचर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और भैया हम लोग को अपने घर भी लौटना चाहिए क्योंकि काफी सारी चीजें भी करनी है, क्योंकि भैया नया अपडेट जो आया हुआ है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ओए बिल्कुल सही कहा मुन्ना, अभी घर जाके बहुत सारे फॉर्म्स भी बनाने हैं जो कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम लोग अगला फॉर्म किस चीज का बनाए। तो भाई सब आज की वीडियो यही नहीं रखते हैं, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय। We'll be right back.